ब्रिलियंट क्रिकेटर है, लेकिन इनकी हिस्ट्री बहुत माजी की बहुत तलख हकीकत उनकी तलख। जवानों ने पिछले कई वर्षों से कोशिश की, कई नौजवान सारे सर्विस में आए और यहाँ का एक नौजवान ऑल इंडिया में सेकंड रैंक पाया है फाउंड सर्विस में। ये ऐसे ही नौजवान यहाँ के लिए प्रेरणा बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा यूथ इनसे प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण के जम्मू कश्मीर की तरक्की काम में जुटे। रिसेंट डेवलपमेंट के लिए इस तरह की कोशिश करने की कितनी जरूरत है, क्योंकि काफी गैप हुआ है। मुझे लगता है कि कोशिश हम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रोज ही प्रोग्राम हो रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक हो रहे हैं, आप चाहेंगे तो रात को भी होंगे। आपने इस तरह पहला प्रोग्राम यहाँ किया, किस तरह सर ये पहली बार आज जो है एक बदलाव आपकी टोन में भी और एक डायरेक्ट मैसेज जो है। हम लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और हम अभी वही बात से रहेंगे, तो मैं समझता हूँ शायद हमारी पीढ़ियाँ आने वाली हमको माफ नहीं करता। सबको मिल करके अमन के लिए, शांति के लिए, प्रोग्रेस के लिए और यहाँ की इकॉनमी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। आपकी काबिलियत और ताकत किसी भी तरह से देंगे। मैं तो इस कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? यहाँ पे मनोज सिन्हा जी को यहाँ पे दी है, क्योंकि वे भी अपने इंटरव्यू में मीडिया से बात करते हुए कहे हैं कि हम यहाँ के लोगों से डायरेक्टली मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो करनी थी, तो ये शुरुआत कुंड वैली से हुई। गाँव पे भी प्रोग्राम करके उनकी यहाँ के कॉमन लोगों के साथ रूबरू कराएंगे। मैसेज रहेगी बात इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप उनसे भी बात करेंगे, हम लोगों ने पिछले मैं स्वयं 2003 से गोगजी बाग से यहाँ के यूथ को सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वे क्वालिफाई कर गए तो ये मैसेज है, बल्कि यहाँ के वैसे बच्चे जो होनहार हैं, टैलेंटेड हैं और जिनके पास गाइडेंस नहीं है, हम लोगों के तरफ से हम लोग गाइड कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, न केवल सिविल सर्विसेज में बल्कि और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम 500 बच्चे वैसे गए हैं जो आर्थिक रूप से उतने ठीक नहीं थे। INS, extremely fearless journalism.